तो भाई लोगों केवल 500 सब्सक्राइबर बचे हैं 3 लाख होने में। भाई जल्दी करवा दो यार, तुम आज ही करवा दो कसम से, क्योंकि भाई इस शर्ट को पहनते पहनते ना मैं भी थक चुका हूँ। क्योंकि मैंने आप लोगों से बोला था जैसे हमारे 3 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे मैं अपनी अलग शर्ट में आ जाऊंगा, इतने सारे कपड़े ले रखे हैं भाई किस काम के। चलो वैसे ये सब बातें होती रहेंगी, ठीक है, आज के टॉपिक पर हम बात कर लेते हैं। मैंने लास्ट एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि इंस्टाग्राम अब दोबारा से आपकी रील्स जो है वो प्रमोट करना चालू कर दिया है इंस्टाग्राम ने, ठीक है, बट उसकी कुछ कंडीशन है। आपको अपनी रील्स प्रोफाइल में ही अपलोड करनी पड़ेगी और उसके बाद आपको थोड़ी अपनी रील्स पर रीच खुद से लानी पड़ेगी, ठीक है। तो वो आप कैसे ला सकते हो, अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करो। और भाई आप लोगों ने इतने ज्यादा कमेंट करे कि भाई मैं मजबूर हो गया वीडियो बनाने में, तो 2 से 3 दिन लग गए। मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा है, रिसर्च करके देखी है, तो भाई काफी रियल ट्रिक्स मुझे पता चली है जो कि अच्छी अच्छी है, ठीक है ना। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना और लास्ट में आपको एक अमेजिंग चीज बताने वाला हूं मैं, ठीक है। तो आप करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस देखो, अगर आपको अपनी रील्स पर खुद से रीच बढ़ानी है तो सबसे पहले तरीका आपको एक जो नहीं करना है कभी भी, ठीक है, आगे ये बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना है, बट सबसे पहला तरीका जो एक नहीं करना है, खुद से कभी भी कुछ अपनी रील्स में हरकतबाजी नहीं करनी है। काफ़ी लोग करते हैं, खुद से शेयर करते हैं, खुद से कमेंट करते हैं, खुद से लाइक करते हैं और खुद से भाई यहाँ पर स्टोरी पर अपलोड करते हैं, काफ़ी चीज़ें लोग खुद से करते हैं। आपको खुद से कुछ कुछ भी नहीं करना है, आपको केवल दूसरे अकाउंट से करना है। वो कैसे करना है, सबसे पहले ट्रिक जो मुझे सबसे अच्छी लगती है, आपको अपने 5 फेक अकाउंट बना लेने हैं, ठीक है ना। अगर जैसे आप 5 फेक अकाउंट बना लोगे, उससे क्या करना है, जब आप रील्स अपलोड करोगे अपनी प्रोफाइल में, याद रखना जब भी आप रील्स अपलोड करो प्रोफाइल में ही अपलोड करना, ताकि आपके फॉलोवर जो है वो भी आपकी थोड़ी बहुत आपको उस वीडियो पे रीच दे दें, ठीक है ना। तो थोड़ी बहुत तो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, बट आप आगे से कैसे ला सकते हो, तो आपको फेक अकाउंट बना लेना 5, ठीक है ना। उसके बाद आपको करना क्या है, जब आप रील्स अपलोड करोगे उसके आधे या 1 घंटे बाद एक अकाउंट ओपन करना, उसके बाद उस रील्स को वॉच करना, ठीक है ना, पूरा वॉच करना पूरा, ठीक है ना, क्योंकि वॉच टाइम बहुत ज़्यादा जरूरी है, पूरा वॉच करना, उसके बाद उसको लाइक कर देना, फिर दोबारा से वीडियो चलेगी तो दोबारा से पूरा वॉच करना, उसके बाद उस पर कमेंट कर देना, फिर दोबारा से वीडियो चलेगी दोबारा पूरा वॉच करना, उसके बाद उसको ऐड टू स्टोरी कर देना, और जब दोबारा से वीडियो चलेगी उसके बाद उसको शेयर कर देना 3 से 4 जनों में। उससे क्या होगा, आपकी रीच बढ़ रही है और इंस्टाग्राम की नजरों में कोई दूसरा बंदा बढ़ा रहा है, आप नहीं बढ़ा रहे हो, समझ पा रहे हो बात को। तो जब आप एक अकाउंट से हरकतबाजी कर दोगे, उसके बाद आपको यहां से 10 से 15 मिनट बाद या फिर कुछ भी टाइम बाद जब आपको टाइम मिले दूसरा अकाउंट ओपन कर लेना। ऐसे ऐसे कर करके अगर आप एक दिन में 5 अकाउंट ऐसे कर देते हो तो इंस्टाग्राम की नजरों में आपकी जो वीडियो है वो मतलब एक तरह से इंस्टाग्राम की नजरों में आपके वीडियो का टॉपिक बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा, तो इंस्टाग्राम इसको खुद से प्रमोट करेगी और आपकी वीडियोस कहां से कहां वायरल हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि हो ही जाएगी, हो सकती है, आप सोच भी नहीं सकते। उसके बाद भाई अपने जो आपके खास दोस्त हैं, ठीक है ना, आप उनसे ये कह के रखना कि भाई यहां पर मेरी वीडियो शेयर कर दिया कर, मेरी वीडियो पूरा वॉच कर लिया कर, और यहां पर मेरी वीडियो ऐड टू स्टोरी कर दिया कर। अब आप लोग बोलोगे भाई दोस्त बहुत कमीन है ऐड टू स्टोरी नहीं करने के, तो मैं उनको ऐड टू स्टोरी करने के लिए मतलब स्टोरी पे लगाने के लिए बोल ही नहीं रहा हूं। आपको नॉर्मल सा करना क्या है, जब आपके दोस्त आपकी वीडियो देखेंगे उसको शेयर पर क्लिक करेंगे ऐड टू स्टोरी कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद इंस्टाग्राम की नजरों में क्या होगा, इंस्टाग्राम की नजरों में होगा कि ऐड टू स्टोरी इस बंदे ने लगा दी, तो मतलब वीडियो अच्छी थी। अब वो बैक भी कर देगा ना उसको, तो इंस्टाग्राम की नजरों में ये नहीं आएगा कि उन्होंने बैक कर दी, इंस्टाग्राम की नजरों में यही आएगा कि भाई इस बंदे ने इस रील्स को ऐड टू स्टोरी करा है, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि आप स्टोरी लगाओ, बट एक बार ऐड टू स्टोरी कर देना इंस्टाग्राम की नजरों में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये कुछ रियल ट्रिक्स है जिससे भाई आपकी रील्स की एंगेजमेंट बढ़ती है। मैं अब करता नहीं क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता, बट अगर करने बैठ जाऊं तो मैंने अपनी एक वीडियो वायरल करी थी, 18,000 व्यूज थे, ठीक है। नॉर्मल मेरे व्यूज आ नहीं रहे, मैंने 5 अकाउंट पे ऐसे अच्छे अच्छे ट्रिक्स करी थी और मेरे व्यूज आ गए थे। ये सच में वर्क करती है ट्रिक्स, ठीक है ना। उसके बाद आपको रील्स अपनी शेयर करनी है। अब मैंने पहले आपको बताया था कि आपको खुद से शेयर नहीं करनी है, आपको करना क्या है, जो भी आपका फेक अकाउंट होगा ना उसको ओपन करना, उसके बाद भाई अपनी रील्स ओपन करना, ठीक है ना, एक ही रील्स पर टारगेट करना पहले, ठीक है ना, उसको रील्स ओपन करना, उसका कॉपी लिंक कर देना और इस लिंक को मतलब उस अपनी वीडियो को लिंक कॉपी कर देना और इस वीडियो को अपने सभी ग्रुप पर शेयर कर देना। सही बता रहा हूँ मैं, फेसबुक पर आपको इतने लाखों करोड़ों ग्रुप मिल जाएंगे जिसमें आपको लाखों करोड़ों मेंबर्स होंगे, ठीक है ना। जैसे अगर आपकी वीडियो कॉमेडी है तो भाई सिंपल सी बात है, आपको कॉमेडी वाले ग्रुप में उसको शेयर कर देना, क्योंकि आपको सारी कॉमेडी वाली ऑडियंस को टारगेट करना है, ठीक है ना। अगर आपकी वीडियो सैड है तो आप, अब अगर आपकी वीडियो नहीं आपका कंटेंट, क्योंकि कंटेंट आपको केवल एक ही रखना है, मैं अलग अलग जने के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर सपोज करो कि राम श्याम घनश्याम क्या बात बोल रहा हूँ, ठीक है, 3 लोग हैं, राम ने बनाई कॉमेडी वीडियो तो उसको केवल कॉमेडी ग्रुप में ही शेयर करना है, श्याम ने बनाई सैड, श्याम सैड वीडियोस बनाता है तो उसको केवल सैड वीडियो सैड वाले ग्रुप में ही शेयर करना है। तो आपको ये रियल ट्रिक्स करनी है, इसकी मदद से आप अपनी इंगेजमेंट और अपनी रीच रील्स की बढ़ा सकते हो। बाकी काम तो इंस्टाग्राम का, इंस्टाग्राम प्रमोट करेगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया अपनी लास्ट वीडियो में कि इंस्टाग्राम इस टाइम क्या कर रही है कि भाई
मैं जिसको बंदों को फॉलो भी नहीं करता ना, वो भी मेरे यहाँ पर इंस्टाग्राम पर आ रहे हैं। मैंने आप लोगों को बताया था और आप लोग ये भी खुद नोटिस करोगे, पहले ये चीज़ नहीं हो रही। अब बात आते लास्ट वाली बात जो मैंने आप लोगों को बताई थी। भाई देखो लास्ट वाली बात ये है, ये सारी ट्रिक जो रियल ट्रिक्स है, अच्छी अच्छी ट्रिक्स है, ये सब आपकी फेल हो जाएंगी अगर आपका कॉन्टेंट ही बेकार है। सबसे पहले तो आपको अपने कॉन्टेंट पर ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपका कॉन्टेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है ना तो आपको ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली दूसरे वाले जने कर देंगे। सही बता रहा हूँ मैं। आप लोगों ने बात नोटिस करी होगी, जब भी किसी रील्स पे अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं तो उसका कंटेंट अच्छा होता है। अगर आपका कंटेंट बेकार है तो आपके व्यूज़ नहीं आएंगे, और अगर आपका कंटेंट अच्छा है ना तो उसको कोई भी नहीं रोक सकता। तो सबसे पहले तो कंटेंट पे ही ध्यान दो, उसके बाद अगर आपका अच्छा कंटेंट है और आप ये हरकतबाजी कर रहे हो तो गारंटी है भाई आपकी रील्स वायरल हो जाएगी। मैं ज़्यादा तो नहीं बोलता बट 90% आपकी रील्स वायरल हो सकती है। ऐसा आप अपनी रीच बढ़ा सकते हो। वीडियो कैसे लगे नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, और भाई अगर आपका कोई यूनिक टॉपिक है तो वो भी बताओ नीचे कॉमेंट सेक्शन में, या फिर मेरे कम्युनिटी गाइडलाइन पर यहाँ पर लिख दो। अगर आपका यूनिक कंटेंट हुआ तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा और भाई आपको शॉर्ट आउट दूंगा, ठीक है। तो बस यार आज की वीडियो तो इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, इसी के साथ मेरा IPR के, और फिर मिलेंगे चलते चलते।